एज्युकेशनल व्हिडिओ पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका. प्रॉब्लम सेट 4.3. अब अगेन हमें दो ही यहाँ पे हमने चीजें देखी है. फर्स्ट इज, अगर सबसे पहले हमें एमवी निकालना पड़ता है, और एमवी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एफवी प्लस प्रीमियम, और अगर डिस्काउंट हो तो एमवी होता है हमारे पास एफवी माइनस डिस्काउंट. तो इन दो चीजों को हम याद कर रखे, देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं. लेट्स बिगिन विथ प्रॉब्लम सेट. तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगेन हमको कुछ ब्लैंक्स को फिल करना है. पहला है इसमें सीरियल नंबर, एंड देन देयर इज एफवी, शेयर इज एट एंड एमवी, शेयर इज एट एंड एमवी. अब अगेन 1 2 तीन रोज है यहां पर. फर्स्ट इज ओके, ये है 100 और यहां पर है 10. यहां पर मुझे गिवन है एफवी, गिवन है शेयर इज एट पार कहा गया है, एमवी कितना है. जब भी शेयर पार पे हो तो एमवी हो जाता है सेम, एफवी और एमवी सेम होते हैं, मतलब कि ये भी हो जाएगा 100. दैट वाज अ ब्लैंक. नेक्स्ट इज यहां पर मुझे प्रीमियम पता है, 500 है, प्रीमियम इज 500, प्रीमियम इज इक्वल टू 500, और एमवी मुझे गिवन है 575. अब एमवी क्या होता है, एमवी इज इक्वल टू एफवी प्लस प्रीमियम. तो एफवी कितना हो जाएगा, एमवी माइनस प्रीमियम. एमवी कितना है मेरे पास 575, प्रीमियम कितना है 500, सो दिस विल बी इक्वल टू 575 माइनस 500, मतलब कि 75. सो मेरे पास एफवी हो जाएगा इसका 75. और इसमें मुझे कहा गया है कि ये एफवी मुझे पता है 10 है, एमवी इज इक्वल टू 5. सो अब जब भी एमवी की वैल्यू एफवी से कम हो उस वक्त पे हमें डिस्काउंट मिलता है, isn't it? So एफवी कितना, सॉरी एमवी क्या होता है, एमवी इज इक्वल टू एफवी माइनस डिस्काउंट. तो यहां पर डिस्काउंट कितना होगा, डिस्काउंट विल बी इक्वल टू एफवी माइनस एमवी. एफवी कितना है मेरे पास 10, एमवी है मेरे पास माइनस 5. 10 माइनस 5 कितना होता है 5. सो डिस्काउंट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू रुपीज 5. सो इस तरीके से क्या गिवन है, कौन सा ज्यादा है, कौन सा कम है, हमको इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है उस चीज का ध्यान देना पड़ता है, ताकि हम अकॉर्डिंगली वो फॉर्मूला यूज कर सके. अगर डिस्काउंट है तो हम प्रीमियम का फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते, क्योंकि डिस्काउंट में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, वेयर एज प्रीमियम में हम एड करते हैं. लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन. क्वेश्चन इज अमोल परचेज 50 शेयर्स ऑफ एफवी 100. कितने शेयर्स खरीदे, नंबर ऑफ शेयर्स इज 50. और एफवी कितना है उसका 100 रुपीज 100. और व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज 80, कंपनी हैड गिवन 20% डिविडेंड. क्या कहा, मार्केट वैल्यू कितनी है रुपीज 80. मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू रुपीज 80. कंपनी हैज गिवन 20% डिविडेंड, फाइंड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. कंपनी ने कितना खरीदा है, सॉरी 20% डिविडेंड दिया है. सो डिविडेंड इज इक्वल टू 20%. अब डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड होता है वो पैसा जो कंपनी देती है इंप्लॉइज को फ्रॉम द प्रॉफिट दैट कंपनी हैज गॉट. डिविडेंड का रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला होता है बेसिकली डिविडेंड इनकम डिवाइडेड बाय सम ऑफ इन्वेस्टमेंट. रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू डिविडेंड इनकम, मतलब कि डिविडेंड से जो पैसा मिला है डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट. तो इसका इससे जो हमको मिलता है वो होता है रेट ऑफ रिटर्न अगेन इनटू 100. क्यों, क्योंकि ये परसेंटेज में मिलता है. अब मुझे क्या पता करना है कि सबसे पहले तो इसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था. टोटल इन्वेस्टमेंट था मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स. सो टोटल इन्वेस्टमेंट मैं निकाल सकता हूं, टोटल इन्वेस्टमेंट विल बी इक्वल टू मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, विच इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू कितनी है 80
into number of shares is 50, which is equal to rupees 400. तो हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 400, अब एफवी कितना है हमारे पास 100. सो जो डिविडेंड होता है वो 20% मिला है पर शेयर, एक शेयर की कीमत कितनी है रुपीज 100. डिविडेंड जो होता है वो हमेशा एफवी के बेसिस पे मिलता है. सो 20% ऑफ रुपीज एफवी कितना होगा, सॉरी डिविडेंड पर शेयर वो कितना होगा, मतलब कि 20% 20/100 ऑफ एफवी, मतलब कि 20/100 एफवी कितना है हमारे पास 100, मतलब कि 20 रुपए मिला है एक शेयर के लिए, isn't it? So अब डिविडेंड फॉर 50 शेयर्स कितना होगा, डिविडेंड फॉर 50 शेयर्स इज इक्वल टू, डिविडेंड फॉर 50 शेयर्स होगा 20 × 50, विच इज इक्वल टू 1000. ओके, ओ सॉरी, दिस इज 8 नहीं, दिस इज 80, 18 टू 50 इज 4000 और मुझे डिविडेंड मिला है 1000. अब मैं क्या करूंगा, रेट ऑफ रिटर्न के फॉर्मूले में इस चीज को पुट करूंगा. रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है हमारे पास 4000 डिवाइड सॉरी और डिविडेंड इनकम कितनी है 1000. सो डिविडेंड इनकम डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट. डिविडेंड इनकम हमने अभी कैलकुलेट की थी, कितनी आई थी 1000 डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट वॉज 4000 × 100. ओके, अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 0.25 × 100, दैट इज इक्वल टू 25%. सो 25% इज द रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट जो की गई है. सो इस तरीके से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन. जोसेफ परचेस्ड फॉलोइंग शेयर, मुझे जोसेफ ने जो शेयर्स खरीदे हैं वो पता है. कंपनी ए के 200 शेयर्स खरीदे हैं, कंपनी ए के 200 शेयर्स खरीदे हैं, कंपनी बी के 45 शेयर्स और कंपनी सी के एक शेयर बेसिकली. और गिवन है एफवी, मुझे इसका गिवन है, इसका एफवी है ₹2, इसका एफवी है इसका इन दोनों के मुझे एमवी पता है, एमवी इज 500 और इसका एमवी है 540. ओके, 10540, सो 10540 रुपीज अगेन हर जगह पे. अब और क्या पूछा गया है, प्रीमियम मुझे इसका पता है, दैट इज रुपीज 18, इसका प्रीमियम इज रुपीज 18. अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हर कंपनी का मैं अलग से कैलकुलेट करूंगा. कंपनी ए के लिए, फॉर कंपनी ए मुझे सबसे पहले तो उसका एमवी कैलकुलेट करना पड़ेगा. एमवी क्या होगा, एमवी एफवी प्लस प्रीमियम. एफवी कितना है 2, प्रीमियम है 18, विच इज इक्वल टू 20. अब मुझे कंपनी ए के लिए उसका एमवी मिल गया है, एमवी क्या होता है मार्केट वैल्यू. अब मार्केट वैल्यू के मुझे नंबर ऑफ शेयर्स पता है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट विल बी इक्वल टू एमवी, मतलब 20 × नंबर ऑफ शेयर्स, दैट इज इक्वल टू 200, दैट इज इक्वल टू 4000 रुपीज, इतना है इसका कंपनी ए में इन्वेस्टमेंट. कंपनी बी की अगर बात करें, 45 शेयर्स है और 50 के और 50 उसका है एमवी. सो टोटल शेयर्स सॉरी टोटल इन्वेस्टमेंट विल बी इक्वल टू 45 × 500, विच विल बी इक्वल टू 22500 रुपीज. और कंपनी सी की अगर बात करें, तो टोटल इन्वेस्टमेंट एक शेयर कितना है 10,540 का.
सो 10,540 इंटू एक ही शेयर खरीदा है, सो दिस विल बी इक्वल टू 10,540. अब मुझे क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है. हम इससे पहले इसी टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं. टोटल इन्वेस्टमेंट हम कैसे निकालते हैं, तीनों कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट आया है उनको एड करके, मतलब वो इन्वेस्टमेंट कितना है, 4,000, 22,500 और 10,540. सो मतलब कि टोटल इन्वेस्टमेंट will be equal to 4,000 plus 10,540, ठीक है 10,540 plus 22,500 plus और एक आया था 4,000, तो ये हो जाएगा 0,0370 37,040 rupees का इन्वेस्टमेंट किया गया है टोटल बाय जोसेफ इन कंपनी ए बी एंड सी.